उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नई डिजिटल मीडिया नीति को लेकर आई है। इस नीति के तहत आपत्तिजनक सामग्री को ऑनलाइन डालने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। योगी सरकार की इस नीति को लेकर विपक्ष योगी सरकार की आलोचना कर रहा है। इसे सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का प्रयास बताया है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस डिजिटल मीडिया नीति का शायराना अंदाज में तंज कसते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि हम बांट रहे हैं दाने, गांव हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। यही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है। भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले नए जमाने के चरण पैदा करना चाह रही है। भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्मप्रचार एक नए तरीके का भ्रष्टाचार है, निंदनीय। वहीं इस नई डिजिटल मीडिया नीति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखा है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएंगी? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? भाजपा नेताओं विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा? तुम दिन को कहो रात तो रात वरना हवालात। नीति सच को दबाने का एक और तरीका है। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकती? गौरतलब है कि नीति के तहत राज्य सरकार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रभावशाली लोगों और खाताधारकों को सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए उनके फॉलोअर्स और ग्राहक के आधार पर प्रति माह 8,00,000 रुपए तक का भुगतान करेगी। हालांकि नीति में राष्ट्र विरोधी, अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री बनाने के लिए दंड भी शामिल है। तो वहीं अब योगी सरकार नई डिजिटल मीडिया नीति को लेकर बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। जैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।